You're my crush, I'm your crush, I'm your crush, you're my crush. ओके दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना खुद के फ़ोटो के साथ या किसी के भी फ़ोटो के साथ? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस प्रकार का आपको स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ काइनमास्टर ऐप का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों, काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग मुझसे कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कॉमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना। सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। और दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सिंपली से आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और आपको राइट साइड की ऊपर आपको कॉर्नर में आपको मिलेगा दोस्तों इनपुट का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल को आपको ऐड करना है, जो कि दोस्तों आपको प्रोजेक्ट फाइल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा। सिंपली से वो वाला वीडियो देख लेने के बाद आप बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली से प्रोजेक्ट फाइल आपको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले जो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑप्शन में जाना है और दोस्तों एक आपको लिरिक्स वीडियो को दोस्तों ऐड करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करना है, फिर से रिप्लेस में जाना है और अपने गैलरी से जो फोटो दोस्तों आपको पसंद है कुछ इस तरह से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करना है, उसी तरह दोस्तों रिप्लेस में जाना है। जाने के बाद दोस्तों अपने गैलरी से जो फोटो दोस्तों आपको पसंद है कुछ इस प्रकार से फोटो को आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको फोटो को दोस्तों एंड तक आपको ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है, जो कि दोस्तों मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर मैं एंड तक फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ और दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। और दोस्तों आपको सबसे पहले फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों कॉल मी डीजे फेट, क्लिक ग्राफिक आपको सिलेक्ट करना है नंबर 2 को। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाना है, आपको होलियन पार्टी इफेक्ट नंबर 10 सिलेक्ट करना है। फिर से नेक्स्ट फोटो में आपको क्लिक करके होलियन पार्टी इफेक्ट नंबर 10 सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है और दोस्तों आपको क्लिक ग्राफिक में जाना है और आपको 16 क्लिक ग्राफिक आपको 08 सिलेक्ट करना है। और दोस्तों 08 सिलेक्ट करने के बाद इसका आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाके आपको चले जाना है कॉल मी डीजे इफेक्ट आपको नंबर 2 में, ठीक है। नंबर 2 में जाने के बाद नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है होलियन पार्टी इफेक्ट नंबर 10 को, नंबर 10। फिर से आपको नेक्स्ट फोटो में आपको दोस्तों होलियन पार्टी इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट फोटो में दोस्तों आपको क्लिक करना है, आपको चले जाना है 16 क्लिक ग्राफिक में आपको कर लेना है 8 नंबर को। 8 नंबर का करने के बाद आपको नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाना है, आपको चले जाना है कॉल मी डीजे इफेक्ट क्लिक ग्राफिक में। दोस्तों कॉल मी डीजे इफेक्ट क्लिक ग्राफिक आपको नंबर 2 सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट फोटो में भी दोस्तों आपको कॉल मी डीजे इफेक्ट क्लिक ग्राफिक आपको नंबर 2 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके होलियन पार्टी इफेक्ट आपको नंबर 10 सेलेक्ट कर लेना है। 10 सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, आपको चला जाना है दोस्तों कॉल मी डीजे इफेक्ट क्लिक ग्राफिक में। और दोस्तों जाने के बाद आपको नंबर 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 2 को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, क्लिक ग्राफिक में जाना है और दोस्तों आपको 16 क्लिक ग्राफिक दोस्तों आपको 08 सेलेक्ट करना है। बाकी आपको 3 फोटो जो है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो हो गया, एक दो फोटो, और नेक्स्ट फोटो में भी आपको दोस्तों 16 क्लिक ग्राफिक का आपको 08 सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये तीनों क्लिक ग्राफिक आपको बीट स्कैन ऐप से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्लिकग्राफिक एड करने के बाद आपको लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक पार्टिकल वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। और पार्टिकल वीडियो को आपको वीडियो के चार और कुछ इस तरह सेट करना है। नीचे मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन और स्क्रीन कर लेना है। फिर से लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको PNG बॉर्डर को भी ऐड कर लेना है और PNG बॉर्डर का लेंथ आपको वीडियो के एंड पोजिशन तक आपको ले चले जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इसको जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों मेरा वीडियो रेडी हो गया है, तो एक बार मैं आपको प्ले कर लेता हूँ।
तो दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह से वीडियो को देखा था उसी तरह एडिटिंग हो गया है। अगर आपको एडिटिंग करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था।